एक बार होता क्या है, हॉलीवुड के जो बहुत मशहूर डायरेक्टर होते हैं वो कोई मिल गया, क्रिस 2 क्रिस 3 देखते हैं तो उन्हें लगता है ये पूरी तरह से सुपरमैन की कॉपी की गई है, और इसी खुन्नस को निकालने के लिए वो इंडिया आते हैं, और इंडिया में अमिताभ बच्चन से लेकर के शाहरुख खान तक सारे रिजेक्ट हो जाते हैं, और बाद में जो पर्सनालिटी सिलेक्ट होती है उस मूवी को बनाने के लिए वो होते हैं हमारे पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी। अब देखना दिलचस्प होगा कि सीन ये है कि लालू प्रसाद यादव जी सुपरमैन की कॉस्ट्यूम में पूरी तरह तैयार हैं और अपने जॉब के लिए जा रहे हैं, और उनकी पत्नी दरवाजे पे खड़ी हुई है। उनकी पत्नी है जी, ये बिहाने बिहाने कहाँ जा रहे हो है? और इका नीला कपड़ा पहन लियो, कितना चमक रहा है, और ऊपर से लाल चड्ढी डाल लिए हो है? और जब से तुम सुपरमैन बने हो दरवाजे से कभी नहीं निसरते हो, छतवा फोड़ फोड़ के निसरते हो, और पता है जब तुम ऊपर चले जाते हो ना तो गैया भैंसिया इसे देखती रहती हैं कि साहब पता नहीं कब नीचे आएगा और चारा पानी डालेगा। लालू यादव, अरे बड़ बाग फक, अरे तुम्हें कुछ पता है, अभी हम सुपरमैन बना है, हमको अभी पावर मिली है, तुम तो हमें खाली घर की मुर्गी समझती हो बस। अरे अभी कल की ही बात है, हम ऐसे उड़ते हुए जा रहा था और देखा हजारीबाग के जंगल में एक ट्रेन फंसा रहा, और नीचे उतरा हम, और बच्चा लोग भूखा है, कुछ खाया पिया नहीं है, और हमको दया आ गई, और ऐसे उठाया है ट्रेन, ऐसे उठाया है और ले जाके पटक दिया है पटना जंक्शन पे, और भी 2 घंटा बिफोर, समझी? पटना जंक्शन पे ट्रेन पटक तो दिए और उसके बाद तो उड़ गए। अब पता है लड़का लोग कितना गरिया रहे थे, कह रहे थे कि जा वगैरह कोलकाता, और पहुंचा दिया पटना।